और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ी से मलबा आने के बाद कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे बाधित हो चुका है। 18 घंटे के बाद भी हाईवे अभी तक नहीं खुल पाया है। नलगांव और नारायण बगड़ के बीच हाईवे बाधित हुआ है। भारी बारिश की वजह से बीआरओ को रोड खोलने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सैकड़ों लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो लगातार बारिश होने की वजह से अभी तक हाईवे को नहीं खोला जा सका है, क्योंकि बीआरओ की टीम तो वहां पहुंच रही है, लेकिन बारिश होने की वजह से मशीनें अब वहां से हटा दी गई हैं। कई वाहन फंसे हुए हैं। प्रशासन रास्तों को खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन एक लंबा वक्त बीत चुका है। 18 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन हाईवे अब तक नहीं खुल पाया है। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। करीब 20 घंटे से ये रास्ता बंद है, नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से ये रास्ते लगातार बंद हो रहे हैं। बीआरओ की टीमें खोल तो रही हैं रास्तों को, लेकिन फिर से जब मलबा सड़कों पर आता है तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं। और आपको अपडेट कर दें कि 18 घंटे के बाद भी अभी हाईवे नहीं खुल पाया है। नलगांव और नारायण बगड़ के बीच हाईवे बाधित है। भारी बारिश की वजह से बीआरओ को रोड खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी इस बात की भी है कि सैकड़ों लोग जाम की स्थिति में फंसे हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।